का लॉन्ग टर्म प्लान है, आपको दिख नहीं रहा है? धीरे धीरे बांग्लादेश से हिंदूज खत्म होते जा रहे हैं ना, होगा ना पाकिस्तान से खत्म, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगले 70 सालों में मेजोरिटी मुस्लिम्स का ही होगा। और जो आप करते रहते हो ना, सनातन धर्म तो सनातन है, न आदि है न अंत है, कभी नहीं मिटाया जा सकता, मिटेगा जरूर मिटेगा, आप यही एटीट्यूड रखो, पक्का मिटेगा। उनका प्रॉपर प्लान है, वो लंबी रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है? जब भी न्यूज में कुछ आता है तो हम सेंटी हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से कि ये कर दो वो कर दो, हैशटैग से बांग्लादेशी हिंदूज, और फिर क्या, जैसे कोई भी नई मूवी लगी थिएटर में वैसे ही चलो चलो देखने, अरे भाई क्या आया इस बार, पुष्पा, पुष्पा का टुपट आया, चलो चलो देखने, चलो चलो। आज जो भयावह दृश्य हमें कोलकाता से देखने को मिल रहा है, ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट्स बांग्लादेश में आए दिन हो रहे हैं इस समय, लेकिन वहाँ से ना कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी, ना ही वहाँ पर कोई मीडिया कवर करेगा, और अगर न्यूज में नहीं आएगा तो हम भूलते चले जाएंगे, और भूलते भी जा रहे हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें ये टाइम टू टाइम झटके लगते रहते हैं, और लास्ट झटका हमें कब लगा था, केरला स्टोरी, कश्मीरी फाइल्स, व्हाटएवर, हमारा कुछ प्लान ही नहीं है, हम कुछ सोचते ही नहीं है लॉन्ग रन का, कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है हमारी, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने सनातन धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, वो अपने अल्लाह को जानते हैं लेकिन हम अपने कृष्णा को नहीं जानते, वो अपने जीसस को जानते हैं लेकिन हम अपने राम को नहीं जानते। और जो ये सब बोल रहे हैं ना कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, अब हम क्या ही कर सकते हैं, तो आप एक बात बताओ, हम भी तो भगवान के अंश हैं, भगवान तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमें भी थोड़े ही प्रोपोर्शन में सही स्वतंत्रता मिली हुई है। आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में है।